हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यानी कि जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपी स्कॉलरशिप का जो फाइनल स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है, उसमें इशू होना स्टार्ट हो चुका है कि आपको स्कॉलरशिप का इस साल बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो उसी से संबंधित मैंने आप लोगों से कहा था कि हम ट्विटर पर कंपेन चलाएंगे, तो आज की इस वीडियो में वो कंपेन हम चलाने वाले हैं। तो इस को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई या फिर आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल गया है, तब भी आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए जरूर सपोर्ट करिएगा, जरूर रिट्वीट्स करिएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए जैसा कि आपको पता है, जो स्टेटस है वो फाइनल अपडेट हो चुका है। आप लोग किस तरह से अपना स्टेटस देख सकते हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद मैं आपको वो दिखाऊंगा जो मैंने ट्वीट किया है, उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करना है। यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं 5 से 6 हज़ार, 7 से 8 हज़ार, मगर रिट्वीट्स कितने होते हैं? 200, 300, 400। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि अगर आपका पैसा आ गया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर रिट्वीट करिए। आपके घर में अगर 2 मोबाइल हैं 3 मोबाइल हैं तो सभी से रिट्वीट करिए, ताकि आपकी आवाज ऊपर लेवल तक पहुंचे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि स्टेटस किस तरह से चेक करना है, यानी कि आपका स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं, क्योंकि कल शाम से स्टेटस अपडेट हो रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रिट्वीट करना है। तो सबसे पहले आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहां पर सिंपली चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज पर देंगे जहां पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहां पे आप लोग फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके अपना यूपी स्कॉलरशिप का प्रॉपर स्टेटस देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो हो रहा है या नहीं, तो आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं ट्विटर अकाउंट की तरफ, आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि किस तरह से आपको रिट्वीट करना है, किस तरह से आपको अपनी आवाज सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ यूपी तक पहुंचानी है। सो गाइस, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग जो हमने ट्वीट किया है उसे रीट्वीट कर सकते हैं और अपनी आवाज़ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ यूपी तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि अब फाइनल अपडेट हो चुका है कि भाई स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी, क्योंकि जो बजट है वो ख़त्म हो चुका है। तो किस तरह से आपको रीट्वीट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सिंपली अपना ट्विटर अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ट्विटर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च में जाना है और यहाँ पे सर्च ट्विटर पे आपको हमारा चैनल का नेम डाल देना है। ठीक है, यानी कि टेक्निकल इंडिया SMMK। ठीक है, जैसे ही आप टेक्निकल इंडिया डालेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, यानी कि टेक्निकल इंडिया SMMK पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हमें फॉलो कर लेना है और इस बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम नेक्स्ट ट्वीट करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग ये वाला हमारा पिन ट्वीट देख सकते हैं जो अभी हमने 11 मिनट पहले किया है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने क्या लिखा है। छात्र पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं, कॉलेज में जमा करते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई कराते हैं और बाद में पता चलता है कि बजट खत्म हो गया है और छात्रों की स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। ठीक है, और हमने ये हैशटैग यूज़ किए हैं, यूपी स्कॉलरशिप चाहिए 2022। और देखिए, जो हमने ट्वीट किया है वो सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड सीएम ऑफिस यूपी को ट्वीट करा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आपको रिट्वीट करना है। रिट्वीट किस तरह से करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लाइक करना है, लाइक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे रिट्वीट का ऑप्शन है और आपको यहाँ पे रिट्वीट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रिट्वीट हो जाएगा। देखिए, अब तक यहाँ पे 3 रिट्वीट्स हो चुके हैं। ठीक है, प्लस आप लोग ये वाला नीचे वाला ट्वीट भी देख सकते हैं जो हमने कमेंट में लिखा है, जिन छात्रों की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है कृपया उन्हें जल्द से जल्द स्कॉलरशिप का लाभ दिलवा दें। और यहाँ पे भी हमने हैशटैग यूज़ किए, तो आपको सिंपली से लाइक करना है और यहाँ से आपको रिट्वीट कर देना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये कि ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करें ताकि आपकी आवाज़ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश तक पहुँचे। और ये हमने इमेज भी यूज़ की है जिससे थोड़ा सा समझने में इजी हो, यानी कि जो स्टेटस है वो कुछ इस तरह का शो हो रहा है, स्कॉलरशिप नॉट सेक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करिए और ये जब तक ग्रीन नहीं होता तो तब तक आपको रिट्वीट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके मोबाइल हैं, अपने फ्रेंड्स हैं और अपने कॉलेज के ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको शेयर करें और रिट्वीट करें और लाइक करें ताकि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। सो गाइज, आज किस
में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।